माइनक्राफ्ट। लेकिन आज के वीडियो में मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डे ऐसे पोकेमोन ट्रेनर। लेकिन आज के वीडियो में मैं बस कैच करूंगा ओनली ए से लेकर जेड तक पोकेमोन। और ये वीडियो के अंदर में अलग अलग बायोम में जाकर ए बी सी से लेकर एक्स वाई जेड पोकेमोन को कैच करने वाला हूँ। और ये पोकेमोन के वर्ल्ड के अंदर कोई भी पीछे नहीं होगा। और मैं अपने पोकेमोन को कहाँ जमा करूंगा ये आप इस वीडियो में देखेंगे। और गाइस, अगर आपने ये वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, ये कुछ ज्यादा ही हार्ड होगा। और अब बताओ ये कौन सा पोकेमोन है। सो हे टेक्नो हार्ट, वेलकम बैक। और गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त टेक्नोब्रीड। और आज मैं सर्व करने वाला हूँ 100 डे ऐसे पोकेमोन ट्रेनर। बस मुझे कैच करना होगा ए से लेकर जेड तक पोकेमोन। लेकिन ये वीडियो के दौरान मैं कभी भी पीसी का यूज नहीं करने वाला। और आप कहो कि अगर मैं पीसी का यूज नहीं करूंगा तो मैं पोकेमोन को रखूंगा का। और मैं अपनी पकड़ गई पोकेमोन को ऐड करने वाला हूँ अपने खुद के इन्वेंट्री में। और ये वाला आइडिया तो मैंने अपने एसएमपी में यूज किया था, जहाँ पर मैंने अपने दोस्तों से अपनी पोकेमोन को बचाया था। और वीडियो के दौरान मेरे साथ देने वाले तीन सबसे खतरनाक चीजें। और नंबर वन में आता है हमारा गोल्डन एप्पल, और अगर मुझे भूख लगी तो मैं इसे खा सकता हूँ। और सेकंड नंबर पे हमारा मास्टर बॉल, ताकि मैं ऐसे लेकर जेड तक पोकेमोन को आराम से कैप्चर कर पाऊँ। और इन सभी के साथ साथ मेरे पास एक स्वर्ड, ताकि जो भी पोकेमोन मुझे तंग करेगा उसे मैं खत्म कर दूंगा। तो चलो गाइस, निकलते अपनी फर्स्ट पोकेमोन के सफर की ओर। और गाइस, सबसे पहले मुझे कैच करना होगा ए वाले पोकेमोन को। और ए वाले पोकेमोन तो कैसे रहते हैं, जैसे कि अबर पोकेमोन या फिर एलेक्साम। और सबके साथ साथ इकांस का भाई आरबक ज्यादा है। ओके, और ये है कॉम्बी पोकेमोन के। और यहाँ पे सी वाला पोकेमोन भी आ चुका है, और ये है अपना और कास्ट कर वो मुझे जल्दी मिल जाए। और ओके गाइस, यहां पे बनेली भी पोकेमोन भी आ चुका है, तो शायद से मुझे बी और सी पोकेमोन जल्दी मिल जाएंगे। और मुझे ज्यादातर कोवलबन की एनिमेशन कुछ ज्यादा ही पसंद आता है, जैसे कि अपना गारंटूला पोकेमोन। और कोवलबन ने अपने एनिमेशन में कुछ ज्यादा अच्छे से काम किया है। और पता नहीं गाइस, ए वाला पोकेमोन मुझे कहाँ पे मिलेगा। और ऐसे एरोडोस पोकेमोन भी आता है, जो कि अपना स्पिनर एग का विकसित रूप है। और मुझे लगता है कि वो पोकेमोन यहाँ पे जल्दी स्पॉन हो जाएगा। और गाइस, ये देखो यार, ए वाले पोकेमोन को खोजते खोजते देखो मुझे क्या मिल गया, और ये है साइजर पोकेमोन। और बचपन में ये पोकेमोन मेरा कुछ ज्यादा ही फेवरेट था, और आज मैं इसे ट्राई करूंगा इसे जल्दी से कैप्चर करने का। लेकिन सबसे पहले मुझे ए वाले पोकेमोन को जल्दी खोजना होगा। और गाइस, ये देखो यहाँ पे मुझे फारफेच पोकेमोन भी मिल गया। और गाइस, ये रहा फारफेच का स्टिक, सच में कुछ ज्यादा ही कूल है। और इसी आगे चलते चलते फाइनली मुझे एलेक्साम पोकेमोन दिख गया। और इतना तो पता है एलेक्साम को इवोल्व होने के लिए लिंक केबल चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे डायरेक्टली स्पॉन हो गया। और मैं बिना सोचे इस पोकेमोन को जल्दी से कैप्चर कर लिया। और गाइस, मैंने फाइनली मैंने फर्स्ट पोकेमोन को कैप्चर कर लिया। और पता नहीं ये लिंक केबल के बिना इवोल्व कैसे हुआ है। और अगर आपके पास कोई आइडिया हो तो कमेंट कर देना। और फिर मैं अपने एलेक्साम के ऊपर बैठकर निकल पड़ा बी वाले पोकेमोन को कैच करने के लिए। लेकिन मुझे पास ही बनेली भी पोकेमोन मिल गया, और इसे मैंने जल्दी से कैच भी कर लिया। और गाइस, अब मुझे कैच करना होगा सी वाले पोकेमोन को। और पता नहीं सी वाला पोकेमोन कहां पे मिलेगा। और गाइस, सी फॉर आता है कैटरपी पोकेमोन और कॉम्बी पोकेमोन। और मुझे लगता है कि मुझे ये एरिया में घूमते हुए उनके स्पॉन होने का वेट करना होगा। और इसी तरह से घूमते हुए मुझे फाइनली कैटरपी पोकेमोन मिल गया। और सच में ये छोटे से पोकेमोन ने कुछ ज्यादा ही टाइम वेस्ट कर दिया, और मैंने इसे जल्दी से कैच कर लिया। और गाइस, अब मुझे कैच करना होगा डी वाले पोकेमोन को, और पता नहीं वो पोकेमोन मुझे कहाँ पे मिलेगा। और गाइस, इसे चलते हुए मुझे नॉकटर्नल पोकेमोन मिल गया, और सच में ये पोकेमोन तो अपने एफ के पास भी था। और डी फोर आता है डोडियो पोकेमोन, तो मैं फिर पोकेमोन को बैठ करने के बड़ा सवाना बायोम में। और लगता है कि मुझे यहाँ पे थोड़ी देर तक रुक कर पोकेमोन के स्पॉन होने का वेट करना होगा। और इसे जब निकल रहा था तब मुझे मिल जाता है डोडियो पोकेमोन, और इसे मैंने जल्दी से कैच कर लिया। लेकिन आगे बढ़ते हुए मुझे जल्दी से मिल जाता है इकेंस पोकेमोन, और इसे मैंने जल्दी से कैच कर लिया। और गाइस, अब मेरे पास ए बी सी डी पोकेमोन आ चुका है, और इसी तरह मुझे बाकी पोकेमोन को जल्दी से कैच करना होगा। और गाइस, सुबह होने के बाद मैं फिर से निकलता हूँ एफ वाले पोकेमोन को कैच करने के लिए। और फिर मुझे याद आता है कि एफ फॉर आता है फॉरफेट, जिसे मैंने पहले ही खत्म कर दिया था। और तभी मेरे सामने आता है फ्लैपी पोकेमोन, और ये एफ से आता है, और इसे मैंने जल्दी से कैच कर लिया। और गाइस, अब मेरे पास सारे पोकेमोन तो फुल हो चुके हैं, तो इसलिए मैं यूज करने वाला हूँ पोके इनटू आइटम वाला कमांड। और ये कमांड के हेल्प से मेरे सारे पोकेमोन आइटम में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो फिर मैं इन पोकेमोन को एक एक करके अपने इन्वेंटरी में रख सकता हूँ। और गाइस, फिर मैं निकल पड़ा जी वाले पोकेमोन को कैच करने के लिए। और जी फॉर आता है जीडूट पोकेमोन, शायद से मुझे इस पत्थर के पास मिल जाए। और गाइस, जी फॉर गैरोस पोकेमोन भी आता है, तो शायद से मुझे इस तरफ से मिल जाए। लेकिन मुझे पानी में मिलता है जी फॉर गोल्डन पोकेमोन, और इसे मैंने जल्दी से कैच कर लिया। और फिर मैं निकल गया एच वाले पोकेमोन को कैच करने के लिए। और हाँ, एच फॉर आता है हंटर पोकेमोन, लेकिन वो पोकेमोन ज्यादातर रात में स्पॉन होता है। और इस तरह रात का वेट करते हुए मुझे फाइनली हिटमोन चार मिल जाता है। और अच्छा होगा इसे पोकेमोन मुझे जल्दी मिल गया, और इसे मैंने जल्दी से कैच कर लिया। और रात होने के बाद मैं इसे घूमता रहा बाकी पोकेमोन को कैच करने के लिए। और मुझे इतना पता है कि आई फॉर आता है इलुमाइज पोकेमोन, जो कि रात में स्पॉन होता है। और फाइनली मुझे इलुमाइज पोकेमोन जल्दी मिल गया, और इसे मैंने जल्दी से कैच कर लिया। और मुझे अभी जे वाले पोकेमोन को भी कैच करना होगा, और पता नहीं वो पोकेमोन मुझे कहाँ पे मिलेगा। और नेक्स्ट सुबह मैं फिर से निकल पड़ता हूँ जे वाले पोकेमोन को कैच करने के लिए। और इस तरह आगे चलते मुझे टॉजिक पोकेमोन मिल गया, और सच में ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है। और स्वैम्प पायर में इसे भटकने के बाद फाइनली मुझे जिग्लीफ पोकेमोन मिल जाता है, और इसे मैंने यहाँ पे कैच कर लिया।
और फिर मैं निकल पड़ता हूँ के वाले पोकेमोन को कैच करने के लिए। और हाँ, के फॉर आता है ककुना, लेकिन ककुना को खोजते खोजते मुझे मिलता है क्रैबी का भाई किंगलर पोकेमोन और इसे मैंने फाइनली कैच कर लिया। और इसे कैच करने के बाद फिर मैं निकल पड़ा एल वाले पोकेमोन को कैच करने के लिए। और कई मिनट तक ऐसे घूमने के बाद फाइनली मुझे यूरासिंग पोकेमोन दिख जाता है, लेकिन उसके आगे मुझे पिंक कलर का पोकेमोन लिकिटंग दिखता है, लेकिन ये तो इसका विकसित रूप लिकिलिकी है। और इसे मैंने जल्दी से कैच कर लिया और फिर मैं अपने पकड़े गए पोकेमोन को आइटम में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि मैं बाकी पोकेमोन को इजीली पकड़ सकूं। और फिर मैं निकल पड़ता हूँ एम वाले पोकेमोन को कैच करने के लिए। और कई दूर आ गया निकाल फाइनली मुझे मेटापॉड पोकेमोन दिखा और सच में ये पेड़ के पास काफी छुपा हुआ था और इसे मैंने फाइनली कैच कर लिया। और फिर मैं मेटापॉड के ऊपर बैठकर निकल पड़ा एन वाले पोकेमोन को खोजने के लिए। और हाँ, एन फोर आता है निदुरन पोकेमोन, लेकिन आगे चलते चलते मुझे नेकेड पोकेमोन दिखता है और यहाँ पर इसे भी जल्दी से मैंने कैच कर लिया। और फिर मैं निकल पड़ा ओ वाले पोकेमोन को कैच करने के लिए। और हाँ, ओ फोर आता है ऑडिस पोकेमोन और सच में वो ग्रास में मिल जाएगा। और इसी आगे चलने के बाद मुझे फैन भी दिखता है, लेकिन वो ओके बाद आता है। और हाँ, मुझे यहाँ पे कई सारे खतरनाक पोकेमोन भी दिख रहे थे। और हाँ, रॉक के बाजू में यहाँ पे ऑनिक्स दिखता है, लेकिन ऑनिक्स को मैंने मास्टरमाइंड की हेल्प से कैच कर लिया। और हाँ, मेरे बाजू में फैन भी पोकेमोन भी दिखा था और इसे मैंने जल्दी से कैच कर लिया। और फिर मैं ऑनिक्स के ऊपर बैठकर निकल पड़ता हूँ क्यू वाले पोकेमोन को कैच करने के लिए। और हाँ, क्यू फोर आता है कुइलवा पोकेमोन, लेकिन वो लावा के पास ही मिलेगा। लेकिन इस तरह आगे बढ़ने के बाद फाइनली मुझे क्वैक्सिली पोकेमोन दिख जाता है और ये न्यू जनरेशन का स्टार्टअप पोकेमोन है। और इसे जल्दी से मैंने कैच कर लिया। और हाँ, मुझे आर वाले पोकेमोन को भी कैच करना होगा, जो कि आर फोर आता है रटाटा। और सच में रटाटा कुछ ज्यादा ही कॉमन पोकेमोन है, लेकिन अब मुझे ढूंढने में कुछ ज्यादा ही हार्ड हो रहा है। और आर फोर रायचू भी आता है, लेकिन पता नहीं वो वाइल्ड में मिले या ना मिले। लेकिन इस तरह चलने के बाद फाइनली मुझे रटाटा पोकेमोन दिख जाता है और इसे मैंने जल्दी से कैच कर लिया। और हाँ, पोकेमोन मैक्स होने के कारण मैंने अपने पोकेमोन को चेंज कर दिया आइटम में और इससे मैं बाकी पोकेमोन को भी कैच कर सकूं। और अब मुझे एस वाले पोकेमोन को भी खोजना होगा, बस शायद वो मुझे ज्यादा इजीली मिल जाए। और हाँ, मैंने यहाँ पे कई सारे एस वाले पोकेमोन को भी देखा था और यहाँ पे मैंने सिड्रोट पोकेमोन और स्टैली को भी देखा था। और पता नहीं गाइस, मेन टाइम में ये सारे पोकेमोन कहाँ पे गायब हो जाते हैं। और इस तरह कई टाइम वेस्ट करने के बाद फाइनली मुझे साइडर पोकेमोन दिख जाता है और इसे मैंने जल्दी से कैच कर लिया। और सच में मेरा सपना यहाँ पे पूरा हो चुका है। और अब मुझे टी वाले पोकेमोन को भी कैच करना होगा और टी फोर आता है टेलो पोकेमोन और टेडियोर्सा। और पता नहीं यार, रटाटा पोकेमोन यहाँ पे क्या कर रहा है, टाइम के साथ तो ये मिलते भी नहीं। और टी फोर आता है टॉरस पोकेमोन। और फिर मैं साइथर के ऊपर बैठकर जल्दी से निकल गया सारा बायोम में और यहाँ पहुंचने का मुझे फाइनली टॉरस पोकेमोन दिख गया और इसे मैंने जल्दी से कैच कर लिया। और गाइस, अब मुझे कैच करना होगा यू वाले पोकेमोन को, जो कि यू फोर आता है यूरासिंग। और फिर मैं टॉरस के ऊपर बैठकर निकल पड़ा यूरासिंग को खोजने के लिए। और ऐसे खोजते खोजते मेरा कई टाइम वेस्ट हो गया और कई घंटों तक ऐसे घूमने के बाद यहाँ पे सुबह भी हो गया, लेकिन यूरासिंग मुझे यहाँ पे नहीं मिला। लेकिन दूर से आने के बाद यहाँ पे मुझे टेडियोर्सा दिखता है, जो कि यूरासिंग का छोटा रूप है। और इसके वजह से चांस तो मिलता है कि यहाँ पे मुझे यूरासिंग मिल जाएगा। और इसी तरह कई दूर तक ट्रैवल करने के बाद फाइनली मुझे यूरासिंग पोकेमोन दिख जाता है और इसे मैंने जल्दी से कैच कर लिया। और अब मुझे वी वाले पोकेमोन को भी खोजना होगा। और इसी तरह आगे बढ़ने के बाद मुझे यहाँ पे वी फॉर वेनोवेट पोकेमोन दिखता है और इसे भी मैंने फाइनली कैच कर लिया। और डब्ल्यू एक्स वाई जेड पोकेमोन बचाए और डब्ल्यू फोर आता है वेरल पोकेमोन और वो मुझे पेड़ों के पास मिल जाएगा। और इसे ढूंढने के बाद फाइनली मुझे जल्दी मिल गया और इसे मैंने जल्दी से कैच कर लिया। और गाइस, अब बचा है एक्स वाई जेड पोकेमोन और एक्स फोर आता है जेटू पोकेमोन, जो कि मुझे सारा बायोम में जल्दी मिल जाएगा। और गाइस, यहाँ पे मैं पहुंच चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे जेटू की जगह नेटू दिखा और फिर मैं इसे मारकर नेटू टैटू करने लगा। और कई दूर तक ऐसे घूमने के बाद फाइनली मुझे जेटू पोकेमोन दिख जाता है और इसे मैंने जल्दी से कैच कर लिया। और गाइस, वाई फोर आता है यमगा पोकेमोन और ये मुझे पानी के पास जल्दी मिल गया और इसे मैंने जल्दी से कैच कर लिया। और फिर मैं निकल पड़ा जेड वाले पोकेमोन को कैच करने के लिए, लेकिन मुझे जिगजैगन दिख गया, लेकिन मैं जूबैट को कैच करने वाला था, लेकिन ये भी चल जाएगा। और फाइनल गाइस, मैंने ए से लेकर जेड वाले पोकेमोन को कैच कर लिया है। और सच में ये सारे पोकेमोन को कैच करने के लिए मेरे को ज्यादा ही टाइम चला गया, लेकिन मैंने फिर भी ये मिशन को कम्प्लीट कर लिया है। और गाइस, इसी वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी करें और मिलते हैं अगली और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।